पाकिस्तानातून भारतामध्ये परतलेल्या गीताच्या पालकांना शोधण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी केलंय. तसंच गीताच्या पालकांची माहिती देणाऱ्याला 1 लाख रुपयांचं बक्षीस देण्यात येईल अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे. वयाच्या 6व्या वर्षी गीता ही चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानमध्ये गेली होती आणि त्यानंतर ईदी फाउंडेशननं तिला सांभाळलं. 2015 गीताला पाकिस्तानातून भारतामध्ये आणण्यात आलं पण अजूनही तिच्या आई वडिलांचा शोध लागत नाहीये. गीता आमची मुलगी असल्याचा दावा करणाऱ्या इतरही कुटुंबातील व्यक्तींचं आणि गीताचं रक्त डीएनए तपासणीसाठी एम्समध्ये देण्यात आलं आहे. माँ बाप के ना मिलने की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है. कभी कभी बहुत विचलित हो जाती है, बहुत रोने लगती है और जब जब मैं मिलती हूँ तो शिकायत करती है कि किसी तरह से मैडम आप मेरे माँ बाप को ढूंढ दो. आज उसी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ. सबसे पहले मेरी अपील तो इसके माता पिता के लिए है, कृपया सामने आइए और अपनी बेटी को अपनाइए. मैं वादा करती हूँ इस बेटी को आपके लिए बोझ नहीं बनने दूंगी. इसकी सारी जिम्मेदारी हम स्वयं वहन करेंगे, शादी की, पढ़ाई की. लेकिन आप आइए, आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, कृपया आइए, इसे गले लगाइए. मैं दूसरी अपील इसके रिश्तेदारों से, जानकारों से करना चाहूँगी. अगर आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई परिवार ऐसा था जिनकी बच्ची न बोलती थी न सुनती थी और 10-12 वर्ष पहले खो गई थी, तो कृपया आप हमें उनका पता बताइए. एक पुण्याई का काम होगा. एक खोई हुई बेटी को अपने माँ बाप से मिलवाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है. लेकिन पुण्याई के साथ साथ मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि जो भी व्यक्ति हमें गीता के माँ बाप को मिलवा देगा, हम उसे 1 लाख रुपये का इनाम भी देंगे.